ब्रोंकाइटिस एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, और टिस्ट एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि कहीं पर सेल्स का ग्रो करना, वहां पे पस क्रिएट करना या वहां पर स्वेलिंग करना। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन है, जब हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए या ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये जो है बीमारी क्या कहलाएगी? ब्रोंकाइटिस। क्योंकि ट्यूब्यूल्स में फ्लूड ज्यादा हो जाएगा, म्यूकस ज्यादा हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी, तो एयर पैसेज वे में जरा डिफिकल्टी होगी, जिसको हम अक्सर आम उर्फ आम में हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज अ मेन मेन सिम्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस को, इसका इंट्रो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एलेबोरेट किया है, आपको किताब को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एज इट इज अगर आप याद कर ले तो आप पेपर में सेल्फ राइटिंग से भी लिख सकते हैं। और हम इंट्रो स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास है नर्विंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो हवा की नालियां हैं वो क्या हो जाती हैं? तंग हो जाती हैं। जब हवा की नालियां तंग होंगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीथ की, हवा गुजरने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग, यानी कि ट्यूब्यूल जो है वो स्वेल हो जाएंगे। उसके बाद है मोर म्यूकस प्रोडक्शन। आपको पता है म्यूकस क्या होता है? हवा की नाली में जो फ्लूड होता है उसको हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इसके कॉजेज। तो सबसे बड़ा इसका कॉज क्या है? टोबैको स्मोक। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो स्मोक जो है वो इसका सबसे बड़ा कॉज है। सेकेंड वन है हमारे पास वायरसेस। वायरसेस से भी ये बीमारी हो जाती। डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि ब्रोंकाइटिस का कॉज बनते हैं, और डिफरेंट बैक्टीरिया भी जो कि ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये जो है मेन सिम्टम है हमारे पास ब्रोंकाइटिस का। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को माइल्ड वीजिंग का नहीं पता होता। माइल्ड वीजिंग क्या है कि अगर आप देखें किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है तो उसके नाक से उसके सांस लेने की बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, जिनको कहते हैं माइल्ड वीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकाइटिस, इसकी टाइप्स। ठीक है, एक टाइप है हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस, नेक्स्ट वन हमारे पास है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इनमें जरा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, साइंटिफिक वर्ड है क्रॉनिक, जिसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, और एक्यूट का मतलब है टेम्परेरी। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके पास 2 to 3 weeks इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, यानी 2 से 3 हफ्ते ये रहता है, फिर खुद ब खुद ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई। ये ऐसा इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारी है, ऐसा डिसऑर्डर है जो कि परमानेंट डैमेज कोई भी नहीं करता, लेकिन अपना टाइम पीरियड पूरा करके टेम्पररी डैमेज के साथ उसको खत्म भी कर देता है और खुद भी चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनिक। क्रॉनिक मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है इसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोज में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ये 3 months to 2 years तक रहता है, इसका एक टाइम पीरियड है। ये 3 महीने से 2 साल तक इसका टाइम पीरियड है, ये अपना टाइम पीरियड पूरा करता है और ये परमानेंट डैमेज करता है। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया। ये हमारे पास परमानेंट डैमेज करता है, यानी कि अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें कोई ना कोई चीज जो है वो परमानेंट तौर पर डैमेज हो जाती है। और सबसे अहम बात इसकी ये है कि ये कॉमन होता है अबव 45 एज वालों में, यानी कि जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो जाती है उन लोगों में, यानी बूढ़े लोगों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है।